नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल tutels.com पर। आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जैसे कि हमारी कोई भी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब एक बार पेन ले लेती हूँ ताकि कंसेप्ट समझाना आसान हो जाए। तो जैसे कि ये मेरी गाड़ी है, अगर मैं बोलती हूँ कि आपको 20 किलोमीटर चलानी है तो आप ये 20 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हो। आप इसको सीधी ले जा सकते हो, आप इसको तिरछी ले जा सकते हो, आप इसको पीछे भी ले जा सकते हो। हो सकता है आप थोड़े घुमा के उसको ले जाओ, इस ढंग से ले जाओ, तो आप किसी भी दिशा में उसको ले जा सकते हो। तो अगर आप इस गाड़ी को सिर्फ बताएंगे कि ये डिस्टेंस है कि 20 किलोमीटर, तो वो 20 किलोमीटर जो है वो मैग्नीट्यूड होता है, वो जो माप होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर केवल वो ही बता रखा है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे स्केलर। पर अगर मैंने आपको बोल दिया कि जी गाड़ी लेके आनी है 20 किलोमीटर सीधा, 20 किलोमीटर सीधा मतलब गाड़ी तो आगे ये है ना, तो 20 किलोमीटर सीधा हुआ ये डायरेक्शन। तो जब आप किसी भी चीज़ के माप के साथ दिशा बता देंगे तो वो दोनों चीज़ें साथ में मिलके बनेंगी वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब देखते हैं, जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस में आप केवल दूरी बताते हैं तो वो हो गया स्केलर क्वांटिटी। पर अगर आप बोलते हो कि 10 किलोमीटर ईस्ट या 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट या फिर कुछ भी इस तरह से, तो वो हो जाती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। दोबारा देख लेते हैं, अगर किसी चीज़ का सिर्फ माप दिया है मतलब मैग्नीट्यूड दिया है तो उसको बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। पर अगर किसी क्वांटिटी का माप और दिशा दोनों दी है तो उसको बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। एक और देख लेते हैं, आपको ये थर्मामीटर दिख रहा है? अगर मैं बोलती हूँ कि किसी का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस हुआ है, अब क्या हुआ है नहीं पता, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 डिग्री सेल्सियस में हमने केवल उसका माप बताया मतलब मैग्नीट्यूड बताया, उस केस में ये क्वांटिटी हो गई स्केलर। पर अगर आप बोलते हो कि जी इसका टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ गया, तो जैसे आप बोलते हो कि 20 डिग्री बढ़ गया तो आप 20 डिग्री तो उसमें मैग्नीट्यूड बता रहे हो, और बढ़ गया मतलब ऊपर की तरफ गया तो वो आप डायरेक्शन बता रहे हो। तो जैसे ही आप बोलते हो 20 डिग्री बढ़ गया, उस केस में हमारे पास माप और दिशा दोनों आ गई, इसका मतलब टेम्परेचर हो गया वेक्टर क्वांटिटी। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे अगर मैं बोलूं कि उसका जो मास है 20 किलो, तो मास के केस में 20 किलो हो गया। पर अगर मैं बोलूं कि उसका वेट जो है वो है 20 किलो, वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। जो आप ये वेइंग मशीन पर वेट लेते हो ना, उसमें हमारा एम इंटू जी होता है। जब हमारा m इंटू जी होता है, और जी जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, मतलब कि वो अट्रैक्शन जो कि धरती की तरफ लगता है, तो धरती की तरफ हो गया मतलब डायरेक्शन हो गया, और मास का मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। तो जैसे ही मैंने उसका वेट बोला तो वो क्वांटिटी वेट की हो गई मेरा वेक्टर क्वांटिटी। बट जब तक मैं उसका सिर्फ मास बोल रही थी 20 किलो, तब तक वो थी मेरी स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपको स्केलर और वेक्टर के बीच का फ़र्क पता चल गया हो। फोर्स है, फोर्स होता है मेरा मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो होता है उसमें डायरेक्शन होती है, क्योंकि इट इज़ द डिफरेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हो गई वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सीलरेशन भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो वो भी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। अब जब मैं उसको मास से मल्टीप्लाई करती हूँ फोर्स के लिए, तो फोर्स मेरा होता है एम इंटू ए मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स भी मेरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट इज़ इन द डायरेक्शन, उस दिशा में जिस दिशा में मेरा पुश या पुल लग रहा है। वो आप समझ ही रहे होंगे, हमने पढ़ा ही था। लेट समराइज व्हाट वी हैव जस्ट लर्न। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर में सिर्फ माप होता है जैसे कि 20 मीटर, और वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है जैसे कि 20 मीटर नॉर्थ ईस्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल tutels.com, और अगली वीडियो को चेक करना मत भूलिएगा। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपको कोई भी और टॉपिक पे जाना है साइंस और मैथ्स के, तो प्लीज़ हमारे चैनल को पक्का सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट पर पक्का जाइएगा। और अगर आपको और एजुकेशनल कंटेंट चाहिए, कुछ टेस्ट सीरीज़ ट्राई करनी है, कुछ और देखना है, तो आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट www.tutels.com पर पक्का जाइएगा। सो जब तक मेरी अगली वीडियो आती है, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय।